आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पे। सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये होता क्या है। ये मैग्निफाइंग ग्लास ही होता है। इससे हम करते क्या है, इससे हम छोटे चीजों को बड़ा करके देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन हम किसे कहते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरा चीज हमें समझना होगा वो ये कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। तो सबसे पहले पहली बात कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इसे समझने के लिए कि मान ले एक टेबल है और इस टेबल में दो बॉल्स रखे हुए हैं। ये मान ले पहला बॉल है और ये दूसरा बॉल है। दोनों सेम साइज के बॉल हैं और आप इन दोनों को देख रहे हैं यहां से। तो देखिए यहां पर ये जो पहला वाला बॉल है ये आपको बड़ा दिखेगा, दूसरा वाला बॉल छोटा दिखेगा, भले ही दोनों का साइज सेम है। दोनों का साइज जो है वो एग्जैक्टली सेम है। कहने का मतलब लीनियर कोई मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है यहां पर। दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, लेकिन फिर भी चूंकि ये आपके करीब है तो ये आपको बड़ा दिखेगा। रीजन क्या है इसका कि ये जो एंगल सबटेंड करेगा आपकी आंखों में, ये एंगल ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू ये जो दूसरा वाला बॉल आपके आंखों में एंगल सबटेंड करेगा। ये जितना एंगल सबटेंड करेगा ये कम होगा। मतलब ये एंगल जो है इसे चलिए नाम दे देते हैं, ये एंगल है बीटा, और इस एंगल को भी एक नाम दे देते हैं, ये एंगल है अल्फा। तो पोजिशन के कारण, ऑब्जर्वर के पोजिशन के कारण और दो ऑब्जेक्ट्स के पोजिशंस के कारण, जो एक का बड़ा देखने का जो सेंस होता है और दूसरे का छोटा देखने का जो सेंस होता है, इस तरह का जो परसेप्शन होता है, जो अपीयरेंस होता है, इसके कारण जो मैग्निफिकेशन का एक फीलिंग आता है, उस मैग्निफिकेशन को कहा जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। दोनों में कोई लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं। अगर हम लीनियरली अगर इन दोनों को हम इन रियलिटी देखें तो ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट छोटा है और ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, दोनों सेम साइज के हैं। लेकिन चूंकि ये क्लोज है आंखों के तो इसीलिए ये बड़ा दिख रहा है। तो यहां से आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ये पोजीशन के कारण होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसे कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये डिपेंड करेगा किसका मैग्निफिकेशन, किसके मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर इसके मैग्निफिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन हो तो ये वन से बड़ा होगा, और अगर इसका मैग्निफिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन हो तो ये वन से छोटा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये दूसरा वाला या फिर क्या जो क्लोज है वो बड़ा दिखेगा और इसके रेस्पेक्ट में ये जो है ये छोटा दिखेगा। तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा किसका मैग्निफिकेशन किसके रेस्पेक्ट में। तो इसका मैग्निफिकेशन इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पर ये होता है जो एंगल ये सबटेंड करेगा, जिसका मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वो पिछले पोजीशन में या फिर जिसके रेस्पेक्ट में हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की, वो कितना एंगल सबटेंड करता है, तो वो इतना। देखिए जो भी फॉर्मूला हम यहां पर बनाने वाले हैं वो बहुत छोटे एंगल्स के लिए होल्ड करेगा, दैट मीन अल्फा और बीटा दोनों बहुत छोटे हों। तो इस तरह के केसेस में जब ये दोनों बहुत छोटे होंगे तो इस तरह के केसेस में बीटा को हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा और अल्फा को कह सकते हैं हम टेंजेंट ऑफ अल्फा। देखें जब आप लिमिट्स पढ़ रहे थे तो आपने ये पढ़ा होगा कि लिमिट ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो। सो इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि थीटा टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा जब बहुत छोटा होगा तब टेंजेंट ऑफ थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, लगभग बराबर होता है। यहां थीटा जो है इसे मेजर किया जाता है रेडियंस में, तो ध्यान रखें इन दोनों एंगल्स को रेडियंस में मेजर किया जाता है, डिग्री में नहीं। सो यहां पर इस तरह के सिचुएशन में ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। अब आता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसे कहा जाता है। इसके लिए आप अपने हाथों को आंखों के बिल्कुल करीब ले जाएं, 2-3 सेंटीमीटर दूर, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ की जो लकीरें हैं वो क्लियरली नहीं दिखेगा आपको। अब आप धीरे धीरे हाथ को दूर ले जाएं आंखों से, जैसे दूर लेते जाएंगे थोड़ा क्लैरिटी आएगा,
अब और दूर ले जाएं, धीरे धीरे ले जाएं दूर, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसे क्लियरली देख पाएंगे और आंखों में स्ट्रेस भी नहीं आएगा। सो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां से कि हम क्लियरली चीजों को देख पाते हैं, उस मिनिमम डिस्टेंस को कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ा जाए और चलिए देख लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन को हम किस तरह से पता करते हैं। तो अब क्या है, जैसे हम करते हैं ऑप्टिक्स में, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, फिर उसे मैग्निफाई किया जाएगा। तो यहां पर हम रखेंगे एक ऑब्जेक्ट को, तो ये रहा वो ऑब्जेक्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और इसे अब हम देखेंगे यहां से मान ले हम इसे देख रहे हैं। तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा आंखों में वो कितना एंगल होगा, चलिए देख लेते हैं। ये एंगल कुछ इतना सबटेंड करेगा, कुछ इतना, ये अल्फा हो गया, इसे अल्फा नाम दे देते हैं। आगे चल के ये मैग्निफाइड होगा मैग्निफाइंग ग्लास से। यहां पर इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए होगा आंखों से, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो हमने इसे असाइन कर दिया डी लेटर, ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मली इसे कैपिटल डी से ही डिनोट किया जाता है। तो अब हमें इंट्रोड्यूस करना होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास को और चलिए देखते हैं सिचुएशन कैसा होगा। तो यहां पर फिर से उस ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिसे मैग्नीफाई किया जाएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमने रखा, सेम ऑब्जेक्ट है, और अब इंट्रोड्यूस करेंगे हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम कुछ ऐसे रखेंगे कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच कहीं पर होगा ये ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसे मैग्नीफाई करके इसका वर्चुअल इमेज बनाना है, इरेक्ट बनाना है, मेनली हमें इसे बड़ा करके मैग्नीफाइड करके बनाना है इमेज को। तो अब देखें ये कैसा दिखेगा, कितना बड़ा होगा। ऑपोजिट साइड में भी फोकस ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा वाला जो फोकस होगा। सो यहां पर ये है फोकस। तो अब हम जब ड्रॉ करेंगे लाइंस को, सो लाइट रे इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, रिफ्रैक्टेड हुआ, यहां से पार हुआ और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पार होगा। तो अब यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा उसे हम कैसे पता करते हैं, उसके लिए इसे आप आगे बढ़ा दें, यहां से हमने प्रोसीड कर दिया पीछे की तरफ और उसी तरह से इसे भी प्रोसीड कर दे पीछे की तरफ कुछ ऐसे। ये जहां पर मीट करता है वहां पर बनेगा इमेज। तो यहां पर बन रहा है इमेज, सो देखिए मैग्निफाइड इमेज है। तो ये इमेज देखिए कितना एंगल बनाएगा, उससे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कहां से देख रहे हैं। तो इसे अब हम जो देखेंगे, इसे हम यहां से देखेंगे बहुत क्लोज, इस लेंस के बहुत क्लोज एक जगह से हम इसे देखेंगे। तो फिर अब देखे यहां आंखों पे ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा, वो एंगल लगभग इस एंगल के बराबर होगा। और साथ ही साथ इस इमेज को क्लियरली देखने के लिए इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस डी होगा। अब ध्यान से देखिए ये जो डिस्टेंस है डी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि इमेज डिस्टेंस होगा वो लगभग बराबर है। तो आगे से जब इमेज डिस्टेंस की बात होगी वहां हम डी से इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए हम लेंस के बहुत करीब से देख रहे हैं ताकि हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सके इस डी को उस इमेज डिस्टेंस के साथ। तो यहां पर अगर मैग्निफिकेशन की बात हो तो इस एंगल को नाम दे दे, ये एंगल हो गया बीटा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां से हम कह सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, ये होगा ये जो एंगल है, किसका मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इमेज की मैग्निफिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। तो इमेज कितना एंगल बना रहा है, बीटा, डिवाइडेड बाय ये जो ऑब्जेक्ट जब लेंस नहीं था तब ये कितना एंगल बना रहा था, वो अल्फा बना रहा था। देखिए मैग्निफिकेशन किसका, मैग्निफिकेशन इस इमेज का, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जब लेंस नहीं था।
सो लेंस नहीं था तब ये एंगल बना रहा था अल्फा, ये ऑब्जेक्ट। जब लेंस है तो इमेज को हम देखेंगे, हम तो ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, इमेज कितना एंगल बना रहा, बीटा। सो ये हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। जैसा कि इससे पहले हमने बात किया था, ये होल्ड तभी करेगा जब ये दोनों एंगल्स बहुत छोटे होंगे। सो हम कह सकते हैं कि बीटा बराबर होगा टेंजेंट ऑफ बीटा के और अल्फा बराबर होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा के। अब देखें ये टेंजेंट ऑफ बीटा और टेंजेंट ऑफ अल्फा के लिए जो वैल्यूज है उसे हम बना लेते हैं यहां से। तो टेंजेंट ऑफ बीटा आप इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में आप पाएंगे ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। सो यू साइन बाद में हम कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली साइन हमें कंसीडर करना होगा आगे चल के। सो यू और साथ ही साथ ये जो है ये ऑब्जेक्ट का हाइट है या फिर कहें ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो है। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ को भी असाइन कर देते हैं एक टर्म, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ है एच, तो यहां यही ऑब्जेक्ट है तो एच। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ बीटा जो होगा ये होगा एच डिवाइडेड बाय यू। देखिए बीटा ये एंगल है और टेंजेंट ऑफ बीटा क्या होता है इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर किसे कंसीडर करते हैं हम, जिस एंगल के लिए टेंजेंट वैल्यू है उसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। तो इस लॉजिक से हम आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे ये होगा एच डिवाइडेड बाय यू। अब देखते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा। टेंजेंट ऑफ अल्फा के लिए इस फिगर को देख ले, इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा ये होगा एच डिवाइडेड बाई डी। सो यहां से एच डिवाइडेड बाई डी, तो एच और एच तो कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो आप पाएंगे ये जो है ये बराबर हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई यू के लिए। यहां से हमें मिल गया एंगुलर मैग्निफिकेशन, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि ये जो यू है ये एक अननोन टर्म है। हमारे लिए नोन टर्म क्या होगा, हमारे लिए नोन टर्म होगा इस लेंस का फोकल लेंथ और साथ ही साथ डी, ये नोन है। तो किसी तरह से हम इस यू को यहां से हटाएंगे और यू के जगह दूसरा टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब देखें यू को हम कैसे यहां से हटाएंगे। लेंस फॉर्मूला जो होता है थिन लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है वन ओवर इमेज डिस्टेंस माइनस वन ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू वन ओवर फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ, जिस लेंस की बात हो रही है उस लेंस का फोकल लेंथ। तो यहां पर ये तो यू तो हमें मिल गया और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जिसे कि हमने जैसे बात किया है इसे हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं डी से। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं यहां कंसिडर करने के लिए, साइन कन्वेंशन कंसिडर करना होगा, तो सबका साइन देख लेते हैं यहां पर क्या होगा। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो यू है ये क्या है, ये एक लेंथ है, सिर्फ लेंथ। हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, सो ये एक लेंथ है सिर्फ, डी एक लेंथ है, यू एक लेंथ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यू तो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये न्यूमेरिक वैल्यू के है। चलिए मान लेते हैं ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू के है समझने के लिए, वरना आगे कंफ्यूजन होगा। सो इसका न्यूमेरिक वैल्यू के है तो हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी ओवर के। यहां ये k क्या है, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u, ये k कुछ नहीं है, u का ही एब्सोल्यूट वैल्यू है। u देखे पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, सो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है और कुछ नहीं है, याद रखें इसे। अब आगे जो चीजें हैं उसे लिख लेते हैं, v ये किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा, लेकिन d को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या नेगेटिव, जो भी डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उसे करते हैं। तो यहां से जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, और इसे हमें कंपेयर करना पड़ता है जो लाइट रेज है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो लाइट रेज को हम जिस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं या फिर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से लाइट रेज देखे इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं इस डिस्टेंस को। तो यहां पर यह डी जो है ये डी नेगेटिव होगा और ये यू ये क्या होगा, U के लिए हमने एक टर्म एसोसिएट किया था K, इसका न्यूमेरिक वैल्यू K था। सो U ये जो लेंथ है न्यूमेरिकली K के बराबर है, तो ये U बराबर होगा K के, लेकिन ये K को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे या नेगेटिव, हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इसे मेजर करने के लिए, तो जो ये वैल्यू होगा ये होगा नेगेटिव K। अब ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि जो कंसीडर किया जाता है फोकल लेंथ को वो होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ।
दैट मीन ये लेंथ नहीं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ है उसे कंसिडर नहीं करते हैं, हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ को कंसिडर करते हैं और ये यहां पर पॉजिटिव होगा, सो f के जगह हम f ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सो यहां पर v के जगह निगेटिव d, तो ये हो गया निगेटिव 1 ओवर d, और यहां पर u के जगह निगेटिव k, सो माइनस 1 ओवर u के जगह प्लस 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 ओवर f। हमें k के लिए वैल्यू चाहिए होगा, हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसे, सो यहां से देखें 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 ओवर f प्लस 1 ओवर d, इवेल्युएट कर ले इसे, ये हो जाएगा डी एफ और d प्लस f यहां से न्यूमरेटर में। आगे बढ़ते हैं, सो अब देखिए k के लिए जो वैल्यू होगा k इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाय d प्लस f, तो इसी वैल्यू को जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है इसे एक टर्म एसोसिएट कर देते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन m। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन m ये बराबर हो जाएगा d ओवर k के, सो d ओवर डी एफ डिवाइडेड बाय d प्लस f, तो यहां से डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर में भेज दे, तो ये क्या बन जाएगा देखिए d इंटू डी प्लस f डिवाइडेड बाय डी एफ, तो यहां से आप कैंसिल कर दें, यहां ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास बचा हुआ रहेगा डी प्लस एफ डिवाइडेड बाय एफ, जिसे कि आप कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वन, एफ डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू वन, उस वन को पहले लिख रहे हैं, प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ। तो ये हो गया फॉर्मूला एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन, कब, जब जो इमेज बन रहा है वो इमेज बने एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब एक और केस कंसिडर करना होगा, वो ये कि मैग्निफिकेशन तब क्या होगा जब इमेज जो है ये इंफिनिटी में जाके बने। सो इमेज को इन्फिनिटी में बनने के लिए क्या करना होगा हमें, इमेज को इन्फिनिटी में बनने के लिए ऐसे हमें रखना होगा ऑब्जेक्ट को कि वो फोकस में रहे, वो इस लेंस के, यहां पर एक लेंस, इस लेंस के फोकस में रहेगा। सो यहां पर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और यहां पर ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज बनेगा वो अब इन्फिनिटी में जाके बनेगा, ये हमें पता है। सो ये ऐसे यहां से पार होगा और ये ऐसे यहां से पार होगा, दो पैरेलल लाइंस होंगे ये, सो कुछ ऐसे। सो इन दो पैरेलल लाइंस को प्रोसीड कर दे आप आगे की तरफ कुछ ऐसे, तो इमेज जो है अब इन्फिनिटी में जाके बनेगा। सो आप यहां से देख रहे हैं, यहां से, तो अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहां पर ये जो एंगल बनाएगा, इमेज जो एंगल बनाएगा, चलिए इसे नाम दे देते हैं बीटा। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इस केस में भी एंगुलर मैग्निफिकेशन, इस केस में भी ये होगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा क्या था पिछले केस में, जो अल्फा था वही था जब यहां पर ये लेंस ना हो तो। तो अब देखें ये बीटा किसके बराबर होगा, ये तो वही ऑब्जेक्ट है, तो हाइट h, और अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये तो इसका फोकल लेंथ है। तो अब आप देखें यहां पर इस ट्राइंगल से आप ये पाएंगे कि टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय f। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि चूंकि ये बहुत छोटे एंगल्स के लिए होल्ड करता है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m इस केस में, इसे हमने असाइन कर दिया एक नाम m, सो m इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा के जगह हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा और अल्फा के जगह हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट ऑफ बीटा ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय f, और टेंजेंट ऑफ अल्फा पिछले केस की तरह ही ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय d।
तो फिर आगे बढ़ते हैं, एच और एच कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा डी डिवाइडेड बाय एफ। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कब, जब इमेज बने इन्फिनिटी में। यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि ये बीटा क्यों है, क्योंकि ये जो इमेज बनेगा जहां पर भी बने, चाहे अगर यहां बनता, अगर यहां भी बनता तो भी बीटा एंगल होता, ये बीटा एंगल बनाता। अगर इमेज आगे चल के यहां पर बनता तो भी देखे, इसको आगे बढ़ा दे तो भी देखे, ये बीटा एंगल ही बनाता। तो इसी तरह से ये इन्फिनिटी में जाके बनेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन तो इनफाइनाइट होगा, ये इन्फिनेटली बड़ा होगा, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए ये जो एंगल ये सबटेंड कर रहा बीटा, इसका एक फाइनाइट वैल्यू होगा और ये बराबर होगा एच डिवाइडेड बाय एफ के, टेंजेंट ऑफ बीटा का वैल्यू मैं ये बता रहा हूं। तो फिर इस तरह से हमने ये देख लिया कि एक मैग्निफाइंग ग्लास का या फिर कहे सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है दो केसेस में। पहला केस जब उसका इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, तब क्या होगा, तब ये होगा। और जब इमेज इन्फिनिटी में जाके बने तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, तब मैग्निफिकेशन ये होगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोज में हम इसी तरह से और भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।